अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे आप लोग। तो गाइस, हमारे घर में आज बने थे पाए, तो हम लोगों ने पाए खा लिए और पापा बना रहे हैं केरी का जूस। ये रहे मेरे पापा, हम मैंगो का जूस बनाएंगे। आज मम्मी का काम पापा को मिला है। छिलटे रखते और पापा मम्मी का काम करते हैं और मम्मी आराम से खाते। बोलो ओके। मम्मी का काम मुझे भी मिला है गाइस, दो मिनट। गाइस, हमारा मिक्सर निकल चुका है, मैं आपको बताता हूँ। ये रहा मैक्स, सुपर मैक्स, और पापा अभी इसे वॉश करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी हम मैंगो का जूस बनाएंगे। पापा ने एक मैंगो का जूस की रेसिपी बताऊंगा। तो पापा ने यहाँ पे दो केरी लिए और दो दूध की थैली। तो मैं आपको बताता हूँ, पापा भी मिक्सर धोई वॉश करेंगे और उसमें केरी डालेंगे, उसको थोड़ा ग्राइंड करेंगे, उसके बाद उसमें मिल्क डालेंगे जो आपको मैंने बताया। देख, केरी का जूस तो सबको बनाते आता है। ऐसे ही गाइस थोड़ा कॉमेडी कर रहा है, जब मैंगो की जूस को आपको रेसिपी बताएंगे। इसे इतनी आसानी से ऐसे स्लो मोशन में कटिंग करना है, जो कैरी का छिलका जो होता है ना, उसे बड़ी आसानी से कैरी के ऊपर से निकाल देना। बेचारा बहुत नाजुक चीज होती है। तो गाइस अभी पापा ग्राइंड करेंगे, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये रहे पापा मिक्सर वॉश करते हैं। अब मैंगो को भी धोया जाएगा आराम से। जो गाइस कैसा मस्त है पापा काट रहे, इसे आराम से काटना चाहिए। तो जम के काटोगे तो इनसे गुठला होता है, आपको ही लग जाएगा वो। मम्मी और कुछ काम है? बर्तन धोने के। वो तो पापा धो गए बर्तन। मेरी बैग लाए, दोनों तीनों को धोना। गाइस अभी दोनों सो रहे हैं, दोनों को उठाऊंगा अभी नहीं, हम जूस वूस पी लेंगे बाद। ठीक है गाइस, मैं मिलता हूँ आपको पापा के ग्राइंड के। पापा ने केरी को मिक्सर में डाल दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस अभी दोनों केरी आ गई है अंदर, तो मैं आपको बताऊंगा पापा आप क्या करोगे। ये जूस मशीन का काम है, जूस मशीन का काम पापा मुझे ऐसा बोल रहे हैं। दो मिनट एक एक थैली ना बोले के दोनों क्या बोलते हैं? अबू जी आवाज आया? हमारी आ चुकी है आइस क्यूब, पप्पा ने जो अभी मंगाई थी। लो पप्पा आइस क्यूब। अभी यार पप्पा मेरे लिए रखियो थोड़े, मैं खाऊंगा। हाँ तो अभी हमारा काम आ चुका है आइस क्यूब बनने का। टिन 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 और मिल्क की थैली जो है वो डाल रहे हैं अंदर मिक्सर में, वो आज ही डाली है। ओ, हमारा हो चुका है।
अभी इसे हम नहीं खाएंगे। तो ये गए हमारे बर्फ मिक्स हो के। ओह शिट, पप्पू थोड़ा धुल गया। ओह नो, अब मम्मी हमें खुद नहीं बोलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह पप्पा ने केले का जूस बहुत मस्त बनाया था, हम लोगों ने पी भी लिया, मम्मी को भी अच्छा लगा और पप्पा की बार की रूटीन हो गई है, पप्पा ही बनाए गए। तो थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना। लव यू, अल्लाह हाफिज़।